ठंड के मौसम में जैसे कि मैंने बोला कि मिलती है तरह तरह की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कि ठंड के हरे भरे साग से हम बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। ये है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साग के पराठे। अब साग वगैरह जो है, अगर आप ऐसे नहीं पसंद करते तो अपने डाइट में साग को इंक्लूड करिए इन टेस्टी पराठों के साथ। बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और टेस्टी लगते हैं ये। और साग तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स होती है, तो आज वही हरे भरे साग जो ठंड के मौसम में मिलते हैं, उन साग की मदद से हम बनाने वाले हैं टेस्टी क्रिस्पी पराठे। और ये आप पराठे बोल लो, चीला बोल लो, डोसा बोल लो, बस है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। एक बार ट्राई करके देखो और फिर उसके बाद मुझे बताना कि पसंद आया कि नहीं। गारंटी मेरी है कि ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चने का साग लिया है। आप यहाँ पे मेथी का साग ले सकते हैं या फिर जो भी साग अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। मैंने चने का साग लिया है, ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये वेट लॉस में मदद करता है, डायबिटीज़ वालों के लिए ना बहुत सही चीज़ है। तो बस इस साग को जो है ना हमने ले लिया है और क्या करा, इसको धुल के इस तरीके से चॉप कर लिया। मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या करना है, चावल मैंने जो है 2 कप के करीब चावल को धोकर जो है सोक कर लिया था पानी में 10 से 15 मिनट, उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। जीरा डाल दिया 2 टीस्पून और अच्छे क्वालिटी का हींग 1 टीस्पून ऐड करिए। यहाँ पे जो है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 सूखी लाल मिर्च और उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी डालकर जो है इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है चावल का। तो इस चावल का जो है हमने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया, बिल्कुल ऐसे। अब क्या करना है, ये देखिए चावल का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको हम डाल देंगे अपने साग वाले, जो हमने साग वाले बोल में जिसमें साग काट के रखा था वो, और फिर इसमें जाएगा 1/2 कप से 1 कप के करीब गेहूं का आटा। नमक डाल दीजिए और गिव इट अ गुड मिक्स। अब जो है ना इसे मिक्स कर लेना है। तो ये कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी होनी चाहिए कि साग में इस तरीके से जो है ये सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से सब कुछ कोट हो जाना चाहिए। मतलब ये अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जो है हम इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में जो पानी था ना, उसी पानी जो पेस्ट हमने तैयार किया चावल का, उसी में मैंने पानी ऐड करके इसमें डाल दिया ताकि वो वेस्ट ना हो। इस तरीके से हाथों से ही मिक्स करके इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है, पेस्ट कर लेना है तैयार। इसे ढककर जो है 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है 10 से 15 मिनट बाद जो है ये देखिए अब क्या करेंगे, इसे हम तवे पर गरम करके सेंकेंगे, मतलब सेंकना शुरू करेंगे। तो तवा को गरम करिए और उसके बाद जो है ऑयल लगाइए, ग्रीस करिए। बहुत कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, आप घी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ करा, तो यहाँ पे जो भी ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो या फिर सोयाबीन ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो वो तेल लगाइए, सरसों तेल मत लगाइएगा। और क्या करिए, इसे जो है हम इस तरीके से पैन केक की तरह थोड़ा थोड़ा लेके गोल स्प्रेड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ज़्यादा इवनली, मतलब करने की कोशिश ना करें नहीं तो फट जाएगा। हल्का से जो ऐसे बराबर करिए और ये देखिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, इस साइज़ का मीडियम मीडियम छोटे छोटे साइज़ का हम इसे बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए हल्का हल्का और देखिए जो है इसे हम फ्लिप करके दोनों साइड से जो है कुरकुरा क्रिस्प गोल्डन कलर आने तक इसे कुक करेंगे। तो देखिए स्लाइटली जब एक साइड से कुक हो जाए ना, तो धीरे से, बहुत धीरे से इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए तो नीचे इस तरीके से मैं लगा रही हूँ ये पलटने वाला, और ये देखिए इस तरीके से बहुत ही जेंटली हल्का हल्का वो करिए। ये आराम से छोड़ देता है पैन, ऐसा नहीं कि ये पैन में चिपक जाएगा, क्योंकि हमने ऑयल लगाया है तो बहुत आसानी से कुक हो जाएगा। कुक करने में तो ज़्यादा इशू नहीं आएगी, बट पलटते टाइम ध्यान देना, ज़्यादा प्रेशर लगा के ना करें नहीं तो फट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है अब इधर भी हल्का सा, दूसरे साइड से भी ऑयल लगा कर जो है हम कलर आने तक कुक कर लेंगे। तो बस अलटते पलटते दोनों साइड से जो है कुरकुरा गुलाबी कलर आ जाना, तब तक इसे कुक करना है बस। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से जो है पलटते पलटते हमने कलर आने तक कुक कर लिया और बस इस तरीके से हमारा तैयार है ये नाश्ता। तो बस इसे निकालिए और इन्जॉय करिए, चने के साग का नया रेसिपी बनकर तैयार है। आई होप कि आपने ये रेसिपी नहीं ट्राई किया होगा, और अगर ट्राई किया है तो इस तरीके से बनाओ, और अगर इस तरीके से बनाते हो तो फिर से ट्राई करो ये रेसिपी, क्योंकि ठंड में ये ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो साग वगैरह अपने डाइट में इंक्लूड करो,
जिन्होंने ये रेसिपी ट्राई नहीं की है इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना इस ठंड में। आप मेथी के साग जो होते हैं ना उसके साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर मैं ये चने के साग के साथ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और चटपटा और टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। तो सुबह सुबह का ना झंझट ही कदम है क्योंकि इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट अगर आप बनाकर तैयार कर लोगे तो और क्या चाहिए। बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको अचार चटनी जिसके साथ भी इंजॉय करना है करो, सब्ज़ी के साथ करो, बहुत टेस्टी लगता है। बस वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एज सेंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।